तो गाइस अरुण ने मुझे बोला है कि तू फटाफट से घर चल, तेरे लिए एक सरप्राइज आ गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटी चैनल। सो गाइस आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं बाहर, देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है। दीदी और अंदर क्योंकि पहले आ गए थे और पार्किंग में इतनी रश था ना, अंदर जाके पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है। पैसिफिक मॉल यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे लगी हुई है प्रेजेंटिंग, पैसिफिक प्रेजेंटिंग कार्टून नेटवर्क की। आज आज संडे है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही है। आज एग्जीबिशन वगैरह भी लगी है पर इतनी बच्चों के लिए लगे, मैं संडे आज चलो चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। देख रहे हो कितनी भीड़ है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, बहुत पब्लिक है। तो फाइनली गाइस अब हम जा रहे हैं क्रोमा के शोरूम और वहां पर हम देखेंगे कैमरा, तो देखते हैं कैसा होता है, क्या है क्या नहीं है, वो जाकर पता लगेगा। तो गाइस यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला है तो अब हम नेक्स्ट लोकेशन जा रहे हैं, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, हमें ढूंढ में कहाँ गए हैं, चलो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में, ब्लॉग का एड्रेस जरूर देखा करो और ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूला करो, ताकि आपको जल्दी जल्दी पहला कर दस करो तभी जल्दी 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 नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। तो हम जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। इसके मुंह से अंदर निकालो, ये देखो गाइस, दीदी अपने लिए स्लीपर देख रहे हैं। नहीं है अभी, देख लो क्या पता हो।
काल दीदी गाइस, अरुण ने मुझे बोला है कि फटाफट से घर चल, तेरे लिए एक सरप्राइज आ गया है। तो अब हम अचानक पैसिफिक मॉल से निकल लगे हैं। हमारी बिल्कुल भी, हमने जो गेम्स वगैरह खेलनी थी वो हमारी कैंसिल हो चुकी है। अरुण बोले जल्दी जल्दी घर चल, तेरे लिए सरप्राइज है। तो देखते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे लिए क्या सरप्राइज है मुझे कुछ नहीं पता अभी, तो वो जाके पता लगेगा। तो अभी हम घर जा रहे हैं और पार्किंग में इतना रश है ना, वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतनी चहल पहल, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अरुण भी उठ गया था, इतना मज़ा आ रहा था। तो अभी फिलहाल हम घर जा रहे हैं और सरप्राइज देखते हैं देख क्या है। बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ जी, तो गाइस फाइनली अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे। बड़ा मजा आने वाला है, मैं सरप्राइज के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ, एक्साइटेड बहुत ज्यादा। तो गाइस अब हम ले रहे हैं मोमोज और हम जाएंगे फिर इसके बाद डोसा कॉर्नर, वहाँ पर जाएंगे और मोमोज ले रहे हैं अभी हम। मम्मी की बड़ी याद आ रही है घर पहुँचने वाला कुछ तब करके भी, और वहाँ पे भी हमने बहुत मिस किया मम्मी को। तो देखते हैं मम्मी कैसे होगी हमारे बिना। तो अभी हम जाएंगे, पैक करवा रहे हैं हम थोड़ा, तो डोसा कॉर्नर वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ पर जिजूर को मिलेंगे और फिर वहाँ पर हम बैठ के आराम से खाएंगे। तो मिलते हैं आपको डोसा कॉर्नर। मोमोज ले लिए और अब हम जा रहे डोसा कॉर्नर, तो मिलते हैं आपको डोसा कॉर्नर। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं डोसा कॉर्नर और हम लोग दीदी और को देख रहे हैं, कहाँ पर है दीदी और, तो चलो देखते हैं दीदी और। तो गाइस आज मम्मी साथ में नहीं है, हम उन्हें बोल कर रहे हैं, तो हमारा सारा सामान आ चुका है, सारा ऑर्डर आ चुका है। दोबारा करके दिखाओ ना। मेरा आर्यन भी दिखा दो भाई, आर्यन भी दिखा दो। तो गाइस अब हमने खा लिया है और अरुण मम्मी के लिए पैक करवा रहे हैं। कितना भीड़ है, हम जा रहे हैं घर और घर जाके मैं एक्साइटेड हूँ। पता नहीं क्या सरप्राइज दे रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो देखते हैं क्या सरप्राइज मिलता है। आपने क्या चलाया, सही है निकल रही। अच्छा पापा ने भेजा है, वैसे मनो वैसे गिफ्ट भेजा है, सरप्राइज भेजा है ना, टूटा या तोड़ता ना, इसे लोग सही की तक पापा है ना। हां तो छोटा क्यों हुआ है, बत्ती को हाइट का ना, लंबाई छोटी है ना, काका देखेगा फिर टीवी आवे इतना देखे, थोड़ी 15 फुट होंगी ना, तो फिर ता 40 70 70 40 इंच सही लग रहा है वो, हां लेते वो छोटा है ना, तो इस करके सही लग रहा है। अच्छा है ठीक है, देख लो टीवी तोड़ने का फायदा हो गया। नया टीवी आ गया, फोन कितनी जगह नहीं।